तो आज हम जा रहे हैं अपने घर। घर तो नहीं जाएंगे अभी, टिकट कंफर्म 4 बजे तक होगा। अभी करीब 2 बज रहे थे, डिस्चार्ज होते होते 2 बज चुका था। और ऐसा लग रहा एक बार जैसे ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा उठी हो। जैसे मैं हॉस्पिटल के आते टाइम जितना मेरा दिल घबरा रहा था ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फर्स्ट टाइम वैपसी हुआ है और मैंने ये सब फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो मुझे डर लग रहा था। जैसे कई लोगों ने बताया था कि ऐसा होता है, 24 घंटे लेट ना होता है, तो स्वाभाविक बात है कि डर आपको लगेगा ही लगेगा। आपको कोई मोटिवेट करने वाला मुझे कोई था नहीं। उसके बाद भगवान की दया से सब कुछ ठीक है और अभी थोड़ा सा इनको चलना फिरना नहीं है ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अगर आपको जाना है, अगर आपका टिकट हो जाता है, तो आप ट्रेन में लेटे लेटे या बैठे बैठे जा सकते हैं, पर ज़्यादा आपको अभी वॉक नहीं करना है, क्योंकि 24 घंटे से कुछ ही मतलब एक्स्ट्रा हुआ है टाइम। और यहाँ पे हम जा रहे थे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जो मेरे लिए समय था ना, वो किसी चुनौती से, किसी जंग से कम नहीं था। तो मैंने आखिर ये जंग जीत ही ली। कहते हैं ना, मन में विश्वास बस होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड बस बहुत कहना चाहिए कि ये ब्लड वगैरह देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पहले भी वो घबरा रहे थे, आरती क्या होगा। तो इनको जब हम हॉस्पिटल आए थे ना, उनको 1-2 घंटे के लिए फीवर भी आ गया। तो मैंने कहा, तुम सोच रहे हो शायद इसलिए तुमको फीवर आया, कुछ मत सोचो। सोचेंगे तो हम और कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर दिक्कत होगी। और यहाँ पर मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी आ गई थी, तो मैं अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी उठाने गई थी। और मेरा सोनोग्राफी क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, वो मैं आपको घर चल के बताऊंगी, है ना। तो अभी आप लोगों को बस कहना चाहिए कि मैं कमेंट आप लोगों का जवाब रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, पर अभी सारे तो लोगों अभी का जवाब हस्बैंड की नहीं छुट्टी दे हो पा गई रहे हैं। है और मुझे अपनी कुछ सोनोग्राफी उठानी थी, तो मैं वहीं पीछे रुक गई थी, उनको छोड़ दिया था मैंने। अभी बस हम अपने रूम जा रहे हैं और आज या कल में निकल जाएंगे। अभी टिकट कंफर्म होगा तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, है ना। मौसम बहुत पानी वाला है, तो आज हमारा ना चौथा से पांचवा दिन है, 4 या 5 दिन हो गए हमें रहते। और ये देखिए, ये फल जब तक को मैं लेने लगी थी, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाया है। पैसे तो बोला कि आप यहीं पे रुक जाइए, पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि देखिए अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं, है ना। फिर उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा कैसे करके, और फिर उसके बाद हम आएंगे। 1 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आएगी बायोप्सी की। और ये हम अपने घर में कदम 2 से 3 दिन बाद रख रहे हैं, समझ लिए 3 दिन बाद रख रहे हैं अपने घर में रूम में। तो हमारा कमरा नंबर है 9, यही है। क्या कर रहा है, फोन कहाँ लगा रहे थे, फोन कहाँ लगा रहे थे, अभी ठीक लग रहा है। खाना खा लिए और खाओगे कुछ। देखिए सारा जैसा कि हमने छोड़ के आए थे ना 3 दिन पहले, वैसा के वैसे ही है। और ना चलिए हम बाद में, चप्पल पहन पहन के चल चल के ये छाले बन गए, ये देखिए ये पूरे चप्पलों के ना ये कट बन गए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। चप्पल पहनते भी नहीं बन रही हम उससे। और आप लोग से क्या बताऊँ कि कैसा लग रहा है मुझे, मतलब अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा लग रहा, रात भर नहीं सो पा रहा हूँ। अच्छा कहाँ सोएंगे, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई ट्रेन से, और अभी भी यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर झुकने में बहुत ज़्यादा सर, मैं ज़्यादा झुक नहीं पा रहा हूँ, पलंग में लेटा ही हुआ हूँ बस। बस ये सोच रहे कि हमें टिकट जो वेटिंग में है वो कंफर्म हो जाए, बस ये चाहते हैं। कंफर्म नहीं होगी तो कल जाना पड़ेगा, कि वेटिंग कम से कम नहीं है तो 30-35 वेटिंग है हमारी, 40 वेटिंग। और ये देखिए चैन की नींद ना मैं भी नहीं सो पाई।
किया सच में इतना चिल्लाना, बापरे कहीं नर्स को बुलाना, कहीं किसी को, क्योंकि रात वाले जो स्टाफ की नर्स थी ना वो सो जा रही थी अक्सर, है ना, बाकी दिन की तो ठीक से ट्रीट किया तो समझ। तो रात यूरिन बहुत आता है और आप समझ सकते हैं किडनी पेशेंट को, और ड्रिप चल रही तो ड्रिप में यूरिन बहुत आता हो बहुत ज़्यादा, इसलिए बार बार अटेंडेंट को बुलाना पड़ता है। और कहते हैं एक दिन का पता है आपको 24 घंटे का 12-12.5 हजार लगा है ना, और बायोप्सी साइड मिला के 25,000 रुपये पूरा बना, 25 से 30,000 रुपये आप समझिए 27,000 रुपये लगा है डॉक्टर की फीस, गन का, गन आई है 3,000 रुपये की, और 5,000 रुपये लगे थे सुबह, 7,500 अभी मैं दे कर आई हूँ, और 7,042 रुपये मैंने उसको दी पैथोलॉजी को, बायोप्सी जो लेकर गया बाहर लैब में उसको दी हूँ, और डॉक्टर की फीस है हमारी 700 रुपये, मेरी सोनोग्राफी हुई है 1600 की, पहले की इनकी जो जांच थी वो इनकी करीब 850 रुपये की बनी थी, मेरी किडनी की टेस्ट हुई है, फिर इनके टेस्ट, फिर आज भी टेस्ट हुई, तो ये सारे मिला के ना हमारे 27,000 रुपये हो गए। अब 27,000 कैसे हुए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे हुए, कितनी मुसीबत से एक बार होता हूँ, इतना जोड़ के रखते हैं अपन, हम पता इसलिए नहीं जोड़ पाते हैं, इतना ही जोड़ के रखेंगे तो जी मुसीबत आ जाएगी, पर कोई बात नहीं हो गया था। और एक आंटी उन्होंने भी थोड़ी सी हमारी मदद कर दी थी पैसों से, तो ट्रीटमेंट बाकी पूरा हो गया था हमारा, आंटी लोगों ने हमारी मदद कर दी थी, हमको बाहर मतलब आंटी ने मदद की थी अपने आप से, है ना, और आप भी बोल रहे थे आरती अपना पेटीएम गूगल नंबर अकाउंट नंबर डालिए, देखिए मुझे ना अब अच्छा नहीं लगता, पहले ही आप लोगों से इतनी मदद ले ली है ना तो अच्छा नहीं लगता, मैं सोचती हूँ खुद से मेहनत करूँ, और मैं मेहनत इतनी करती हूँ ना कि दवाइयों में चला जाता, अभी हमें देखिए दवाइयाँ भी लेनी है, तो उसकी वजह से हमने अभी 12,000 रुपये अपने बचा के रखे हैं, क्योंकि दवाइयाँ इनकी हो जाएगी है ना, इसलिए 12,000 रुपये बचा के रखे दवाइयाँ लेकर और फिर चले जाएंगे। इतना मेरी ज़िंदगी में भगवान इतनी ज़्यादा परेशानी है ना कि मत पूछिए, बस हंस के काट रहे हैं जैसे तैसे, बहुत तेज नींद आ रही है, आँखें बहुत लाल है मेरी, देख सकते हैं आप, नींद आ रही है मुझे बहुत तेज, नहाते कहाँ होते डिब्बा तो अभी सोच रही हूँ 3 दिनों में नहा ही नहीं हूँ, हाँ जब थोड़ा सा मन हल्का लगेगा तो अभी नहा लूँ है ना, और अभी टिकट कंफर्म होगा तो उसका मैसेज आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, तो अभी हस्बैंड को आराम करने दे रही इसलिए मैं अंदर वीडियो अपना शूट नहीं कर रही, बाहर ही आ गई हूँ, और देखिए हमने लिया तो था मतलब मकान, और नहीं भी रहे पर उसका 400 देना पड़ेगा है ना, कितना चार्ज होता है वो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ 1,000-1,200 रुपये एडवांस में जमा करा लेते हैं, जितना बिल बनता है फिर वो लास्ट में काट के देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना आऊँ कि नहीं ना आऊँ, एक्चुअली क्या ऐसा वाला बारिश वाला मौसम है, नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ पर सोच रही हूँ, नहा लूँ हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि दो तीन दिन हो गया है, आज मेरा 4th दिन है, दो ढाई दिन तो पूरा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से समझ लीजिए आज मैंने ये कदम यहाँ पे रखा है, मैं आ ही नहीं थी वहाँ से, वहीं पे थी वहाँ से नहीं आई थी, अभी डॉक्टर ने जब बोला ना तो एक बार और किडनी चेक किया था, अभी उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी, अब क्या आती है वो फिर आगे ही पता चलेगा। और मेरे तो ये देखिए करीब 4 समथिंग हो रहे होंगे और हमारा टिकट कंफर्म हो गया था, एक्चुअली हमारा टिकट पता है क्यों कंफर्म हो जाता है, क्योंकि हम पेशेंट हैं जो गंभीर बीमारी से जूझते हैं या जो जिनको गंभीर बीमारी है ना उनका ऑलरेडी टिकट कंफर्म हो जाता है, वहाँ के जहाँ से हम टिकट करवाते हैं ना ये हॉस्पिटल में एक फॉर्म मिलता है, वो यही कह रहे थे, और हमें पहले नहीं पता था कि महीने में 2 बार हम आ जा सकते हैं, पर उन्होंने बताया कि आप महीने में 2 बार आ जा सकते हैं इसी फॉर्म से,
और अगर आप ये फॉर्म लगाते हैं जो यहाँ से मिलता है इंदौर से, तो अगर आपका बहुत सारा वेटिंग भी है तो आपका टिकट कंफर्म होना ही होना है। तो हमारा सोचिए बहुत सारा टिकट था, उसके बाद हमारा कंफर्म हो गया था। पहले हमने सोचा था कि हम घर नहीं जा पाएंगे, है ना, बस भगवान के भरोसे वो भी छोड़ दिया था कि अगर होता है तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 7:30 का ट्रेन था तो टिकट कंफर्म हो गया था। हमने कहा चलो यार अब निकलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा था इस समय हॉस्पिटल से जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था कि देखिए अकेले ये सब कुछ मैनेज करना ना, और आपको पता है हॉस्पिटल के काम कैसे होते हैं। हॉस्पिटल आप आते हैं, आप लोगों को दूसरों को देख के ही खुद बीमार पड़ जाते हैं, बट यहाँ पे ठीक था वो, कहना चाहिए ना कि मैं इतनी मट्ठर हो चुकी हूँ, इतनी सोच रही थी यहाँ पे मैं एक बार नहा लूँ क्योंकि 2-3 दिन होने जा रहा है मैंने नहाया नहीं है, तो नहा लिया था मैंने। और ये करीब 6 बज रहे थे कि 5:30 हो रहे थे, पता है मुझे टाइम का भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे जो रूम थे उसके बाद हम जाएंगे चाय पीने और फिर निकल जाएंगे कैंटीन से, इनके लिए खाना पैक कराएंगे। थोड़ा सा इनको चलने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि जहाँ पट्टी लगाई गई थी ना, पट्टी भी निकाली गई है ये पेट की, तो पूरे बाल बाल निकल गए, थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो हो सकेगा तो मेरा अब आने वाला वीडियो जो रहेगा, मैं घर जा चुकी होंगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हमारा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय।